आगामी विधानसभा चुनाव हेतु प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वॉर रूम में चुनाव समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सीडब्ल्यूसी मेंबर सचिन पायलट सहित प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता इसमें मौजूद रहे। बैठक में सभी विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों के नाम पर भी चर्चा हुई और सभी नामों पर टिप्पणी सहित पैनल बनाए गए। इन पैनल में शामिल नामों को आज दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की आयोजित होने वाली बैठक के समक्ष रखा जाएगा। सदस्यों को जिम्मेदारी दी कि आप लोग खुद जाके असेसमेंट करें जिलों के अंदर। इनका असेसमेंट आ गया, उनको ये छूट दे दी गई। उसके अलावा भी जो भी राजस्थान में विधानसभा क्षेत्र है उसमें कोई राज देना है वो भी दे सकते हैं। बहुत स्मूथली तरीके से मैं समझता हूँ पूरा प्रोसेस रहेगा। लोकसभा के या जो सेक्रेटरी आए हुए हैं वो दौरे कर रहे हैं, उनकी अलग फीडबैक मिलेगी। नंबर तीन, जो सर्वे किए जाते हैं एजेंसियों द्वारा, वो अलग काम चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल जो है स्क्रीनिंग कमेटी जब बैठेगी तो वो सब बातें ध्यान रख कर फैसला करेगी। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है जिसमें गोगोई साहब और हम सब भाग लेंगे। उसमें हम जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से प्रदेश इलेक्शन कमेटी की राय के मुताबिक, चर्चा के मुताबिक मंथन करके ब्लॉक, जिला और प्रदेश इलेक्शन कमेटी सबके राय को समाहित करते हुए एक डॉक्यूमेंट तैयार करवाया जा रहा है जिसको हम स्क्रीनिंग कमेटी को देंगे और उसके बाद में स्क्रीनिंग कमेटी चर्चा करके और हमारी केंद्रीय चुनाव समिति में उसको लेकर के जाएगी और उसके बाद में केंद्रीय चुनाव समिति टिकटों का ऐलान करेगी।